नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में पेड़ पौधों पर कीट पतंगों का काफी जो है इस समय प्रकोप चल रहा है, और खास करके बैंगन के पत्ते की जो है पत्तियां बहुत खराब हो रही हैं, और कुछ फूलों के पौधों में भी गड़बड़ियां आ रही हैं, और ये हमारा जो है इसमें भी कुछ अडेनियम में पीलापन आ रहा है। पता नहीं अब इसमें फ्लावरिंग होगी इसलिए ऐसा है या कुछ भी कमी हो। और ये देखिए, एक जोरा है इसकी भी पत्तियां, इसको कैल्शियम तो दिया है लेकिन पता नहीं ऐसा तो ना हो कोई रस चूसने वाला कीड़ा हो जो पत्तियों में लग गया हो, क्योंकि ये इस तरह के जो है कीड़े मकोड़े इस समय बहुत ही लग रहे हैं। और मैंने बहुत सारे जो है गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं, तो उनको भी कुछ न कुछ जो है पेस्टिसाइड मिलना ही चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी नीम की पत्तियां तोड़ करके ले लिया है, और इनको जो है मैं एक एक करके ऐसे निकाल लूंगी, और इसको निकालने के बाद में मैं इसको जो है इसका पेस्टिसाइड बना करके कम से कम दूसरे तीसरे दिन अपने पौधों को जो है देते रहूंगी, तो जिससे जो है हमारे पौधों में जो भी कीट मकोड़े हैं वो नहीं लगेंगे। अभी हमारे पास कनेर की पत्तियां नहीं हैं, तो कनेर की पत्तियां भी डालनी है। तो सबसे पहले मैं ये नीम की पत्तियों को जो है पानी में डाल करके रख दूंगी, उसके बाद में और बहुत सारी सामान्य जो है उसको डालती रहूंगी। तो एक एक करके सामग्री जुटाने में कुछ समय लगता है। अभी जो कुछ भी हमारे पास है उसको मैं जो है स्टार्ट कर दी हूँ कि इसको बनाना है, तो एक साथ तो हो नहीं पाएगा, तो जैसे जैसे सामग्री मिलती रहेगी उसको वैसे वैसे डालते रहेंगे, और एक स्ट्रांग फर्टिलाइजर जो है कीटनाशक ये बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं। पीछे के गार्डन में ज़्यादा धूप नहीं आती है, धूप ना आने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत रहती है, और मकड़ियों ने बहुत परेशान कर रखा है, मकड़ियाँ बहुत लगती हैं। तो इसलिए जो है ये देखिए, मैंने इतनी सारी नीम पत्ती ले ली है, और इसको मैं अब ये देखिए एक भी पत्ती को मैं फेंकूंगी नहीं, उठा करके इसको रख दूंगी, और पूरा इसमें डाल दिया है। और ये देखिए, मैंने इसमें ये गर्म पानी करके रखा है, तो इसको ये देखिए गर्म पानी में मैंने इसको उबाला नहीं है, गर्म पानी में ही इसको डाल दिया है। गर्म पानी में इसको डाल देंगे और इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में 24 घंटे बाद इसमें और कुछ सामान मिलाएंगे, तो उसके बाद में जब वो सामान मिला देंगे, बहुत सारी सामान इकट्ठा करनी है, चीजें इकट्ठा करनी है, जब तक कि नीम की पत्ती का पूरा अर्क इस पानी में आ जाएगा, उसके बाद में मैं और तमाम सारी चीजों को मिला करके इसमें जो है डालूंगी, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहें। और कहीं कहीं पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कहीं कहीं पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, कोई पत्तियां नीचे की तरफ, खास कर गुड़हल की पत्तियों में ये सब दिक्कतें कुछ ज्यादा आ रही हैं। बैंगन हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है पेस्टिसाइड जो है मैं कुछ मंगाऊंगी नहीं, बाहर से ही यही बना बना करके डालूंगी। तो अभी मैंने इसकी शुरुआत कर दी है, ये सब तैयार हो गया, होते होते 2-3 दिन लगेंगे, तो उसके बाद में जब ये एकदम से अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो 100 ग्राम की मात्रा 1 लीटर पानी में डाल डाल करके इसको सब पौधों को नहलाऊंगी। और ये देखिए, इनकी जो ये ब्रांचें बची हैं इनको उठा करके कंपोस्टिंग बैग में डाल देंगे, और अपने जो है कार्य को जो आगे चलाते रहेंगे, जिससे नीम की पत्ती में वैसे भी बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं, वैसे तो इस पानी को अभी रख दें, अगर जो ठंडा हो जाए तो भी डालने वाला हो गया है, लेकिन अभी इसमें 2-4 चीजें और मिलाएंगे, उसके बाद फिर इसका स्प्रे करेंगे। तो इसको अभी ऐसे ही रखे दे रहे हैं, उसके बाद में जो है हम जब और सामग्री को इकट्ठा कर लेंगे सारी चीजें डालने के बाद ही इसका छिड़काव हम अपने पौधों पर करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा ये जो है मटेरियल पूरा का पूरा पानी में मिल गया है, और ये पानी देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का पानी हो गया है, और इसमें मैंने जो है कुछ थोड़ा बहुत सामग्री और मिलाई है जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये देखिए, हमारे पास जो है ये मिर्ची और लहसुन का रखा हुआ है, जो ये सड़ा करके इसको भी रखा है, पानी में डाल करके रख दिया है, तो इसको भी मैंने छान करके ये देखिए रख रखा है, और यही जो है मैंने इसमें भी मिलाया है कि पौधों में जो कुछ डालें हम तो कुछ जड़ों में भी डालें, तो हमारी जो है जड़ें भी कुछ खा पी करके पौधे को पोषण देती रहें और फंगस से हमारे पौधे को बचाती रहें, इसके लिए मैंने ये सारा इंतजाम कर रखा है। और मैं इसमें जो है थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए फंगिसाइड पाउडर भी मिला लूंगी। और मैंने जो है ये पूरी हमारी ये बकेट भर गई थी, तो आप लोगों के साथ मैंने वो क्लिप नहीं शेयर की है,
उसको जो है मैंने जो है सवेरे इसको नहाने से पहले छाना है, कम से कम 4 मग के बराबर छान करके मैंने ये दोनों अपने स्प्रेयर बाटल भर के रख लिए हैं। ये कार्य मुझे सुबह करना था लेकिन सुबह समय के अभाव में मैं कर नहीं पाई हूँ। और ये देखिए अभी भी ये हमारा ये कितना बढ़िया लिक्विड है, इसको 100 100 ग्राम के करीब में पौधे में डाल देंगे, इतना डालेंगे कि वो जो है खोल से बाहर ना निकले, ताकि जो जितनी इसकी जो है गुणवत्ता है हमारे गमले के ही अंदर रह जाए और हमारा पौधा जो है इसका लाभ उठा सके और रोग मुक्त रह सके। क्योंकि जब पौधे स्वस्थ रहते हैं तभी बगीचा अच्छा लगता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे अलामांडा है, इसकी देखिए ये पत्तियां कितनी पीली पड़ गई हैं, पता नहीं क्या कमी हो गई है, गमला छोटा है, ये क्या बात है। फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसके लिए, और इधर एक जोरा है इसकी भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन सभी में डालने के इरादे से पत्तियों में सावरिंग तो करेंगे ही करेंगे, हम मिट्टी में भी इसको देंगे। जब मिट्टी में ही जाएगा, मिट्टी से जड़े इसकी जो है इस अपनी ओर इसको जो खींचेंगी, मिट्टी और जड़े इसको खा पी करके अपने पौधे को जो पोषण देंगी, उसी से तो पौधा हमारा हरा भरा और हेल्दी रहेगा। अब पता नहीं क्यों ज्यादा पानी की वजह से है कि क्या बात है, पौधे की जब पत्तियां पीली पड़ती हैं तो मन दुखने लगता है कि कहीं पौधे को कोई नुकसान ना हो जाए। इसी डर से जो है हमने बहुत सारे तामझाम इसी तरह के बना करके पौधे को देने के लिए रख छोड़े हैं, और डालते भी रहते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। तो इसको हम उठा करके देंगे रख, इसको जो है पौधे में 100 100 ग्राम के करीब देंगे। स्मेल बड़ी खराब आ रही है लेकिन अब क्या करें। और ये देखिए मैंने छान करके, 2 बार छान करके मैंने बोतल में भर रखा है। अब जिससे मैं अपने सारे के सारे पौधों पर स्प्रे करूंगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये हमने बनाया है। और शाम के समय जब हम आते हैं तो जो उड़ने वाले जो है ग्रास हॉपर है बहुत ही ज्यादा संख्या में निकलते हैं, चींटी की बराबरी से इतने इतने बड़े तक के निकलते हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए शाम के समय को चुना है। सुबह मैं डालने वाली थी फिर मैंने सोचा कतई नहीं, मैं इसको शाम में डालूंगी, जो रात भर बैठ करके पत्तियां खाते रहते हैं तो इनको भगाना जरूरी है। चले जाएं यहाँ से, अपना ठिकाना कहीं अलग ढूंढे, हमारे गार्डन को मत तहस नहस करें। और पानी इस समय ज्यादा पा गए हैं पौधे, पानी नहीं देना पड़ता है, पानी जो है सब भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन जो है इसको जो है ये कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए ये सब उपाय करने हैं। तो इसीलिए जो है हम इनको जो है इस तरह के फंगिसाइड बना बना करके देते रहते हैं कि ताकि हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े ना आए। और मकड़ियां भी सबके साथ में, मकड़ियां भी हाथ साफ किए ले रही हैं, वो भी जम करके डटी हुई हैं हमारे गार्डन में। आए दिन मकड़ियों को भी साफ करते रहते हैं, मकड़ियों को तो पानी से ही धोते रहते हैं लेकिन जो है गुलाब में मकड़ियां बहुत लगती हैं, और मच्छर शाम के समय इतना ज्यादा लगते हैं कि पूछिए मत। तो चारों तरफ से घूम घूम करके मैं यहाँ डाल रही हूँ, बाकी में बहुत लगेगा, लेकिन आप लोगों के साथ इतना शेयर कर रहे हैं कि देख सकते हैं पौधों को बचा क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। सभी इसके साथ रहना है, सभी को खान पान देना है, सभी की सुंदरता को निहारना है, सभी को दूर करना है, ये सारे काम जो है करने पड़ते हैं। यहाँ डाला तो एक जो है ब्राउन कलर का कीड़ा उड़ करके बहुत तेज होता, अब जो है अब इसकी गंध ना पसंद करवा रहे होंगे इसीलिए निकल करके भागे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कीड़े मकोड़े इसको डालने से, ये देखिए निकल करके जा रहे हैं। मच्छर तो बड़ी भारी संख्या में है, अब थोड़ा सा महीना 15 दिन और वेट कर ले, फिर कटाई छटाई करके इनको सबको नई नई मिट्टी दे। अभी तो एक कीड़े मकोड़े तो है ही है मेरे गार्डन में, छोटे छोटे गिरगिट के भी 2 बच्चे दिख रहे हैं 2 4 दिन से हमें। अब इनको हम कैसे पकड़ करके बाहर करें, अब देख सकते हैं आप लोग, सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से नहला दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। इधर भी ये पाम के पौधों में भी देंगे, क्योंकि इतनी बारिश में इतने ठंडे मौसम में भी इसकी पत्तियां जो है कुछ हमें किनारे से सूखी सूखी दिखी हैं, तो इसको भी धुल देंगे, क्योंकि ये कोई नुकसान वाला पाउडर नहीं है और नुकसान नहीं है, मात्र इसमें नीम की पत्ती और फंगीसाइड पाउडर है। तो धीरे धीरे करके हम अपने सारे पौधों को इसी तरह देते रहेंगे, ताकि जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहें और हमारा गार्डन हरा भरा रहे। ये देख सकते हैं जो सदाबहार की एक
फली सूख गई थी तो काले काले बीज देखिए इसमें लटके हुए थे, तो इसको मैं किसी भी गमले में छोड़ दूंगी जिससे नए नए पौधे उग सके। और अब चलिए चलते हैं पीछे के गार्डन में। प्लांट न टूटे, ये हमारा देसी गुड़हल का पौधा है, देख सकते हैं इससे हमको रोज दो फूल पूजा के लिए मिलते हैं और रोज हम तोड़ते हैं। अभी भी देखिए कलियां बिल्कुल बंधी हुई हैं, सुबह फिर से खिलेगा। ये हमारे गुलदाउदी के पौधे हैं, इनको कोई रोग दोख न लगने, एक एक पत्ती को देख कोई रोग दोख तो नहीं लगा है। सभी गुलदाउदी को एक साथ जो है मैंने लगाया है, लेकिन ग्रोथ देखिए, कोई बड़ा कोई छोटा कोई मोटा कोई अच्छा, एक जैसे सारे पौधे नहीं हैं। तो इधर डाल दिया है, ये गेंदे हैं, ये देखिए अभी हम आप लोगों को हाथ से पकड़ करके दिखाते हैं। ये देखिए ये इतनी ये दिक्कत पैदा करते हैं कि कुछ पूछो मत, मारते नहीं लेकिन इनको ले जाकर के गेट के बाहर फेंक देते हैं। देख सकते हैं पत्ते को ऐसे पकड़ करके, पत्ते के पिछले भाग में भी तमाम सारे छोटे छोटे कीटाणु चिपके रहते हैं और ये सब पत्ते को खाया करते हैं, होल बना देते हैं। ये देखिए ऐसे पत्ते को खा डाले और बिल्कुल, ये देखिए पत्तों को जालीदार बना दिए हैं। तो जो ये पत्ते गड़बड़ कर दिए हैं इनको निकाल देंगे और इसको जो है अच्छे से इसी कड़वे कड़वे पानी से बहुत अच्छे तरीके से इसको धुल धाल करके रख देंगे, जिससे 2-4 दिन में फिर ऐसा ही देते रहेंगे। तो नहीं तो फिर एक बार देने से कोई फायदा नहीं होता, कम से कम 3-4 बार डालना पड़ता है और डालते ही रहते हैं। जब डालते हैं तो आप लोग क्या चीज डाली है अपने पौधे में, इससे सभी में हमको डालना है और सभी को दिखाना संभव नहीं है, यहाँ से लेकर के पीछे तक सब्जियों वाले पौधों में और ये गुड़हल में सभी में हमको डालना है, ताकि जो है एक पौधे से उठ उड़ करके दूसरे पौधे में ना जाने पाए, सीधा गार्डन से भाग ही जाए। तो मैं अपने पौधों को सभी को इसी तरह से स्प्रे करूंगी और सभी को एक स्वस्थ जिंदगी देने की कोशिश में रहूंगी, ताकि जो है पौधे हमारे हरे भरे रहें और इनको कोई भी बीमारी न लगने पाए, सारे पौधे हमारे रोग मुक्त रहें। बहुत ही कठिन वर्क है क्योंकि बहुत बैड स्मेल आ रही है। अब क्या बताएं हम कि हम कैसा पौधों की ग्रोथ के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इधर उधर के कीड़े मकोड़े हैं सब धीरे धीरे सब भगने की फिराक में हैं, तो अब हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से सारे पौधों में डालेंगे और आप लोगों से भी सलाह करेंगे कि आप लोग भी अपने अपने ये फ्री का जो है कहीं से भी नीम का पेड़ दिखे वहां से 4-6 टहनियां छोटी छोटी तोड़ लाइए, पत्तियों को निकालिए, गुनगुने पानी में या ऐसे नॉर्मल पानी में भिगो करके रख दीजिए। बाद में 2-3 दिन के बाद के पास कोई फंगीसाइड पाउडर है तो वो भी मिला दीजिए, उसके बाद में सारे पौधों को इसी तरह से स्प्रे कर दीजिए। लेकिन एक बार में काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 बार करना पड़ेगा। हमने 2 बोतल भर के रखी है, 2 बोतलें अभी लग जाएंगे और 2 बोतल भर को रखा हुआ है हमारा मटेरियल, उसको हम परसों डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा है, फिर भी जो है हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, धीरे धीरे सभी को पहुंचाएंगे। और हमारा ये वीडियो, हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियां बांटें।